नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन कर मैट्रिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले और विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 7 तक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। सीसे प्रखंड के राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रखंड मुख्यालय सीसे में दिन मंगलवार को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उर्वशी रानी के द्वारा स्वयं के पहल पर और शिक्षकों के सहयोग से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में अपने विद्यालय में सर्वाधिक अंक लाने वाले टॉप 10 में शामिल विद्यार्थियों और वार्षिक परीक्षा में कक्षा 1 से 7 तक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षक पीताम्बर झा, मुख्यापति रमानंद सिंह, विद्यालय के प्रधान अध्यापिका सचिव मीना देवी, विमला बड़ाइक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अंगवस्त्र देकर स्वागत और सम्मानित किया गया। पीताम्बर झा ने कहा कि 1982 से पहले विद्यार्थियों का उत्साह और हौसला को बढ़ाने के लिए वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फल में अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ कमजोर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया जाता था, परंतु 1982 के बाद से देखने को नहीं मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि 1976 में हुए मैट्रिक परीक्षा में प्रखंड के 4 विद्यालयों के सभी विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में फेल हो गए थे, परंतु आज सरकार की नीति और नियम के आधार पर जो विद्यार्थी सालों भर विद्यालय नहीं जाते हैं वैसे विद्यार्थी प्रथम स्थान से पास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को एकता, शक्ति और शांति का मंत्र दिया और मोबाइल, नशा, सोशल मीडिया, चोरी, अंधविश्वास जैसे सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने को कहा। वहीं उन्होंने प्रखंड के सभी विद्यालय के अध्यक्ष और सचिव सहित शिक्षकों को साल में 2 से 3 बार विद्यालय स्तर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर व विद्यार्थियों को सम्मानित कर मनोबल बढ़ाने को कहा। समिति के अध्यक्ष उर्वशी रानी ने कहा कि मेरा 3 वर्षों के कार्यकाल में मैंने जो देखा, प्रखंड मुख्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर व एक दूसरे का सहयोग से पठन पाठन का कार्य संपादित करते हैं, जिसके कारण विद्यालय में लगातार विद्यार्थियों का नामांकन होता है और उपस्थिति भी बरकरार बनी रहती है।